बागेश्वर में कुमाऊं रेंज के डीआईजी पूरन सिंह रौतेला के वार्षिक निरीक्षण में पुलिस महकमे की पोल खुल गई। निरीक्षण के दौरान कई सिपाही अपने ही असलहों को न तो खोल पाए और न ही सही तरीके से चला पाए, जिसे देखते हुए डीआईजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने ऐसे लापरवाह सिपाहियों को 15 दिन के लिए पुलिस लाइन में अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए भेजने के आदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को जांचने और कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए डीआईजी कुमाऊं बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और सिपाहियों की समस्याएं भी सुनी। कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर कोतवाली का भी बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने वहां तैनात आरक्षियों और ड्यूटी में तैनात अन्य सिपाहियों से अपने अपने असलहों की जानकारी मांगी। उन्होंने असलहों को खोलने और इस्तेमाल करने के सही तरीकों के बारे में पूछा। इस दौरान कई सिपाही न तो असला चला पाए, न ही उन्हें खोल पाए। कई सिपाही बिना वर्दी के ही डीआईजी के सामने उपस्थित हो गए, जिस पर डीआईजी का पारा चढ़ गया। उन्होंने तत्काल लापरवाह सिपाहियों को पुलिस लाइन से अटैच करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे सिपाही पूरी तरह से प्रशिक्षित न हो जाएं, उन्हें कोतवाली नहीं भेजा जाएगा। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने पत्रकारों से बातचीत की। पहले मैं पुलिस कार्यालय का जो है मैंने निरीक्षण किया, वहाँ पर जो पुरानी पत्रावलियाँ अनावश्यक रूप से लंबित हैं उनके निस्तारण हेतु मैंने कप्तान साहब को बताया कि जो है अगले 15 दिनों तक उनके निस्तारित कर दें, और कुछ हेड्स में बजट्स का अभाव है, जैसे खास करके मजदूरी के अंदर जो है बजट की कमी दिख रही है, जिसमें छोटे मोटे काम लोकल स्तर पर निपटाने होते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कि जो जिनमें बजट की कमी है वो बजट मांग लें। जो पुराने ऑडिट ऑब्जेक्शन कार्यालय के अंदर पड़े हुए हैं जिनकी संख्या 3 है, उनको जल्द से जल्द निस्तारित करने के भी मैंने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं। अभी कुछ कर्मचारियों से मैंने बंदूक खोलने जोड़ने का काम करवाया था, तो ठीक से वो नहीं कराया, तो उनका वो अगले 15 दिन तक पुलिस लाइन में रह करके प्रशिक्षण जो है ले लेंगे, ताकि वो रिफ्रेशर एक प्रशिक्षण 15 दिन का प्राप्त करेंगे, ताकि वो अपने बेसिक असला चलाना सीखें। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।